हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आज और एक नया वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। तो कोई भी इमर्शन रॉड लेने का सोच रहा है वो ये मॉडल ले सकता है। ये हैवेल्स का एक तो मॉडल है जिसका मॉडल नेम है जीता इलेक्ट्रिक इमर्शन वाटर हीटर, जो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। इसका मॉडल है जीता इलेक्ट्रॉनिक इमर्शन हीटर। लुक वाइज ऐसा दिखने को मिलेगा जो मैं अनबॉक्सिंग करके आपका दिखाऊंगा। इसका वारंटी है 2 इयर्स वारंटी, और इसका जो वाट रहता है ये 1000 वाट के साथ आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा कुछ मेंशन भी है जैसा वाटर प्रूफ। अब इसका फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर जो है एफिशिएंसी हीट ट्रांसफ़र हीटिंग एलिमेंट, मतलब ये क्या है, आपका जो हीटिंग होता है वो पूरा आपको दिखने को मिलेगा, रेड रेड टाइप का हो जाता है। और एफिशिएंस मतलब इसका करंट कंज्यूम भी बहुत कम होता है। फिर देखने को मिलेगा निकेल प्लेट फॉर कोरोजिंग रेसिस्टेंट। इससे क्या होता है, आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो जल्दी रस्ट या खोए नहीं पड़ेगा। फिर ISI मार्क के साथ ये आ जाता है। फिर इसका जो पिन है वो 3 पिन प्लग के साथ आ जाता है। फिर आपका हीटिंग इंडिकेटर मिल जाता है। फिर शॉक प्रूफ वाटर लेवल इंडिकेटर, मतलब इसके अंदर एक तो वाटर इंडिकेटर का आपका लेवल दिया हुआ है, मतलब आप कितना पानी उसमें यूज़ करें बा उससे ऊपर देने से वो ख़राब भी हो सकता है, इसके लिए एक तो इंडिकेटर भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसको हैंगिंग करने के लिए बाल्टी में वहाँ पर भी एक तो आपका ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर मेंशन है एलिजेंट एंड स्टर्डी बास्केट हुक, मतलब आप आराम से कोई भी बाल्टी में ये हुक करके रख सकते हैं। तो चलिए इसका MRP वगैरह क्या है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका जो नॉर्मली MRP है 890 रुपीस के साथ आ जाता है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको 700 से 800 तक मिल जाएगा, अप्रॉक्स आप 800 ही मान के चलिए। तो जो कोई भी इमर्शन रॉड लेने का सोच रहा है वो ये मॉडल ले सकता है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। अब मैं ये अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अनबॉक्सिंग के बाद ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है इसका, देख सकते हैं आप लोग। ये आपका टोटली 3 पिन प्लग के साथ आ जाता है जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ इसका वायर, इसका साइज भी बहुत बड़ा है, 1.5 मीटर का आसपास ये वायर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइट इंडिकेटर, जब ये ऑन करेंगे ये लाइट इंडिकेट करेगा, मतलब ऑन हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका बाल्टी या गमला, कहीं पर भी जब हैंगिंग करेंगे ये हैंगिंग लॉक आपको मिल जाएगा, इसके माध्यम से आप हैंगिंग कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़, आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे प्लास्टिक का कुछ भी सामान में यूज़ मत करिए, उससे बेहतर है स्टील और मेटल का बाल्टी या गमला में यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि आप जब ये यूज़ करेंगे पानी गर्म हो जाता है, उससे क्या होता है प्लास्टिक का चीज़ होगा तो वो डैमेज हो सकता है, वो आप थोड़ा देख लेना, आप मेटल या स्टील का चीज़ में करेंगे तो अच्छा होगा। ये हैंगिंग के लिए आ गया। फिर आ गया आपका पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए, आपका यहाँ पर मैक्स मिनिमम दिया हुआ है। अब जब भी इसको हैंगिंग कर रहा है पानी में, आप कोशिश करेंगे यहाँ से इतना तक पानी देने का, मैक्स टू मैक्स आप इतना पानी दीजिए तो क्या होगा, ये जो है ये ख़राब नहीं होगा, ये वाला इतना तक दीजिए तो भी चलेगा पानी, इतना मत दीजिए तो ये भी डैमेज हो जाएगा। कोशिश करना यहाँ से यहाँ तक पानी देने का, यहाँ तक रखना सबसे अच्छा है, यहाँ तक मिनिमम तक रखना। और ये जो है ना ये नॉर्मल लोकल से बहुत अच्छा है, इसका जो आपका निकेल कोटिंग दिया है उससे के लिए ये और भी अच्छा लग रहा है आपका प्रोडक्ट। ये निकेल कोटिंग देने से क्या होता है, एक ही चीज़ होता है इसमें, आपका रस्ट या जंग नहीं पड़ता, ये बहुत दिन आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छे से ये पैकिंग भी करा है, मैं ये दिखा देता हूँ एक बार, दिखने में वाइज बहुत ही अच्छा है। जो कोई भी सोच रहा है इस ठंडा में एक ठो इमर्शन रॉड लेगा तो ये वाला ले सकता है। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी, और ये टोटली 2 साल का वारंटी है और होम सर्विस है। और होम सर्विस आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये जब ऑन करेंगे ये प्लग में पहले दे दिया, फिर स्विच दे दिया, फिर ये बाल्टी में आप लॉक कर दिया,
फिर पानी दिया, फिर आप इसको ऑन करना, पानी का बिना ये कभी ऑन नहीं करना, तो ये क्या हीटिंग रॉड ख़राब हो सकता है पानी का बिना, वो आपको सर्विस नहीं मिलेगा। तब आप लोग ये हमेशा एक चीज़ नोट कर लेना, जब भी आपको ये यूज़ करना है, सभी करता है ये वाला, तो भी मैं एक बार बोल देता हूँ, ये प्लग में दिया, फिर स्विच दिया, फिर ये आप हैंगिंग किया, फिर पानी दिया, उसके बाद ही आप स्विच को ऑन करना। और हाँ, कभी कभी जो इशू होता है शॉर्ट सर्किट का व पानी का, हाथ देने में करंट लगता है, वो इसमें नहीं आता, तो भी आप लोग ये सेफ्टी करके यूज़ करना। कैसे आपका पानी गर्म हो रहा है, तो क्या करना, आप जब चेक करेंगे पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप स्विच को ऑफ करके फिर पानी में हाथ डालना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए और भी आता रहेगा।